Good morning, all of you. Today we will discuss about biomedical waste. आज का अपना टॉपिक क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट. हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा और इसके सैंपल्स कौन से हैं. यानी बायोमेडिकल वेस्ट अगर अपने को कहीं पे मिलता है तो अपन उसके कौन से ऐसे सिंबल हैं जिनसे अपन उसको पहचान सकते हैं कि ये बायोमेडिकल वेस्ट है. तो WHO ने जो है कुछ सिंबल दिए हैं बायोहजार्ड्स के, जो अपने ये हैं बायोमेडिकल वेस्ट के सिंबल्स हैं. नेक्स्ट अगर अपन बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं तो बायोमेडिकल वेस्ट में अपने को कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपने को क्या है बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका मैनेजमेंट करना है. तो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है बायोमेडिकल वेस्ट में इंट्रोडक्शन कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है. देन आफ्टर उसके बाद अपन बात करते हैं तो बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन क्या है जो WHO ने दी है. नेक्स्ट आता है अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है क्या और इसके हैंडलिंग के रूल कौन से हैं और ये रूल बने कब थे. उसके बाद अपना पॉइंट आता है कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसकी कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी, किन किन कैटेगरियों में उसको डिवाइड किया गया है और उसकी कौन कौन सी कैटेगरी है. उसके बाद अपना आता है वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, यानी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको मैनेज करने का प्लान, क्या क्या प्लान करेंगे अपन जिसके द्वारा अपने जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो सेग्रीगेशन किया है या बायोमेडिकल वेस्ट जो अपने को मिला है उसके लिए. उसके बाद आता है सेग्रीगेशन इन कलर कोडेड बैग, यानी कि जो अपन ने कचरा इकट्ठा किया है उसको कौन से कलर के बैग हैं जिनके अंदर अपने को उनको इकट्ठा करना है. नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है पर्सनल सेफ्टी, तो यानी कि अगर अपन कोई भी हेल्थ केयर पर्सन अगर बायोमेडिकल वेस्ट टीम में है या फिर वो कहीं पे भी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, रिसर्च सेंटर में काम कर रहा है, तो उसको खुद की सेफ्टी के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो खुद सेफ रह सकता है. इसके बाद आता है स्टोर कैसे करना है उसको, यानी कि जो आपने यहाँ पे अपना पॉइंट था सेग्रीगेशन इन कलर कोडेड बैग. सेग्रीगेशन का मीन्स है कलेक्शन, कलेक्शन आपने किया है, कलेक्शन करने के बाद क्या करना होगा आपको, उसको स्टोर करना होगा और स्टोर करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, यानी कि जहाँ पे आपने स्टोर किया वहाँ से डिस्कार्ड करने के लिए जहाँ पे आप लेके जाते हो उस चीज़ को अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इंसिनरेशन एंड नॉन इंसिनरेशन प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट को अपन ने कलेक्ट किया है उसको अपने को क्या करना है, डिकम्पोस्ट करना है, यानी कि उसको ख़त्म करना है. तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मींस क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है. तो जितना भी अपना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से, लैब से, रिसर्च सेंटर से, रिसर्च जो सेंटर है अपने वो उनसे, देन आफ्टर अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से जो अपना कचरा इकट्ठा होता है वही क्या है अपना बायोमेडिकल वेस्ट होता है. के बाद अपन बात करते हैं डेफिनेशन की. तो WHO ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है उसकी. उसके बाद अपन बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल. बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और WHO ने कब कौन सा रूल मैनेज किया था जिस दौरान अपन क्या है बायोमेडिकल वेस्ट अपन ने रूल चालू हुआ है अपने यहाँ पे. इसके बाद आता है अपनी कैटेगरी कितनी है बायोमेडिकल वेस्ट की. तो बायोमेडिकल वेस्ट की 10 कैटेगरीज हैं और उन 10 कैटेगरीज के अंदर जो अपना हॉस्पिटल से या रिसर्च सेंटर से जिनसे भी जो भी कचरा निकलता है उसको अपने को क्या करना है, डिवाइडेशन करना है. वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर अपन क्या करते हैं जो अपनी कैटेगरी जो है उनसे जो कचरा आया है उसको अपने को क्या करना है, प्लान करके कौन से में अपने को डालना है. ये अपने को वेस्ट मैनेजमेंट अपना प्लान होता है. इसके बाद आता है अपना सेग्रीगेशन इन कलर कोडेड बैग, यानी कि अपने पास जो चार कलर के बैग जो हैं उनके अंदर अपने को कौन से टाइप के जो कैटेगरी हैं उनका जो वेस्ट है वो अपने को क्या करना है, उन बैग के अंदर अपने को डालना है. उसके बाद अपना पॉइंट आता है पर्सनल सेफ्टी प्रैक्टिस. पर्सनल सेफ्टी प्रैक्टिस का मीन्स ये है कि जो भी हेल्थ वर्कर जो वर्क कर रहा है, ठीक है,
जो हेल्थ केयर पर्सन जो वर्क कर रहा है उसको खुद को बचने के लिए कि कहीं उसको उस वेस्ट से कोई भी डिजीज नहीं हो जाए, उसके लिए जो वो अपने सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें काम में लेगा वो किस में आएंगे, अपने पर्सनल सेफ्टी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना है स्टोरेज। स्टोरेज का मीन्स ये है कि आपने जो कलर कोडेड बैग जो हैं उनसे जो आपने कचरा इकट्ठा किया उसको आपको स्टोर करना है। स्टोर ऐसे पैलेस पे करते हैं जहाँ पे वो इजीली अपने पास ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए इजी वे में रहे। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो भी कचरा जो अपन ने इकट्ठा किया है, बायोमेडिकल वेस्ट जो अपना है, उसको अपने को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे अपने को जो ले जाने की प्रोसेस है, जहाँ पे उस कचरे को अपन नष्ट करेंगे, वो किस में आएगा, अपना ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में आता है। नेक्स्ट अपना आता है इंसिनरेशन एंड नॉन इंसिनरेशन प्रोसेस। इसके अंदर जो भी कचरा अपन ने, जो बायोमेडिकल वेस्ट या जो कचरा हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वही क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको अपने को क्या करना है, कंपोज करना है, उसको खत्म करना है। वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा, दो प्रोसेस हैं, इन दोनों प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस के द्वारा अपन करते हैं, ये अपनी कंटेंट है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं जो मेडिकल जो केयर है वो क्या है, वाइटल पार्ट है किसका, अपनी लाइफ का और एक हेल्थ सिस्टम का। यानी कि जो अपनी मेडिकल केयर है वो क्या है, एक वाइटल है, वाइटल पार्ट है किसका, अपनी हेल्थ का एंड अपनी लाइफ का। बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो अपने क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड का क्या है, इश्यू है। बायोमेडिकल वेस्ट की जो रियल प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, मैन को है, यानी अपने को है, अपने कम्युनिटी को है, और अपना जो इन्वायरमेंट है उसको, सभी को क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट से वो प्रॉब्लम हो रही है उसको। अगर अपन इसको प्रॉपर अगर नहीं वे में, अगर अपन नहीं काम में करते हैं तो क्या है, अपने को प्रॉब्लम होगी, ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम होगी। अगर ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है, कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर रहे हैं। या फिर अगर अपन ऐसे बात करें, अगर उसको अपन ने प्रॉपर वे में अगर अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं किया तो क्या होगा, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आएगा, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आएगा तो कम्युनिटी में इफेक्ट आएगा, और कम्युनिटी में इफेक्ट आएगा तो एक पर्सन की हेल्थी लाइफ पे क्या है, उसका इफेक्ट आएगा। ये जो इश्यू है ये ऑल ओवर वर्ल्ड का इश्यू है, किसी सिंगल पर्सन का इश्यू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है सेफ और साइंटिफिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड जो है वो अपने को क्या करने हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में काम में लेने हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेफ का मतलब क्या है, अपन खुद भी सेफ रहेंगे और उसको काम करने के अंदर क्या है, अपने पैसे भी कम से कम लगे, ये अपने को क्या करना है, मैनेज करना है। तो इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा, मेडिकल केयर का क्या है, एक वाइटल, मेडिकल केयर क्या है, एक वाइटल पार्ट है किसकी, ह्यूमन बॉडी की और अपनी हेल्थ की। ये क्या है, एक वाइटल पार्ट है, यानी कि मेन जो है वो क्या है, अपनी मेडिकल केयर है। सेकंड क्या है, जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो इश्यू है वो किस में है, अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, इसका इश्यू है। क्यों है इसका इश्यू, क्योंकि अगर बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या कंडीशन आएगी अपने पास, कि सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट इफेक्टिव होगा, इन्वायरमेंट अगर इफेक्टिव हो रहा है तो कम्युनिटी इफेक्ट होगी, कम्युनिटी इफेक्ट होगी तो क्या होगा, एक जो हेल्थी पर्सन है वो इफेक्टिव होगा। अगर अपन दूसरा अदरवाइज लेते हैं तो अगर अपन हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में नहीं किया, वहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर जो है अगर वो इफेक्टेड हो गया तो वो क्या करेगा, अपनी कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा, कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, और दूसरी कम्युनिटी को इफेक्ट करेगी तो क्या होगी, क्या हो जाएगा, वो एक चैन बन जाएगी। तो चैन बनने के बाद क्या करेगी, वो अपने पूरे इन्वायरमेंट को अफेक्टेड करेगी। बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट करने के लिए अपने को कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, सेफ होना चाहिए। सेकंड क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि सेफ्टी भी रहनी चाहिए और कम से कम अपना खर्चा आना चाहिए। इन चीजों का अपने को क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में ध्यान रखना है। के बाद अपना आता है पॉइंट, व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट है क्या। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस,
टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च, प्रोडक्शन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन और एनिमल्स। इसका मीन्स क्या है कि जो अपना वेस्ट जो है कहाँ से जनरेट हो रहा है, मैंने पहले भी अपन ने बात की थी कि कहीं से भी, रिसर्च सेंटर हो, लैब हो, हॉस्पिटल हो, जहाँ से क्या है ह्यूमन और एनिमल का जो प्रोडक्ट जो है वो क्या है निकल रहा है, वही क्या है अपना बायोमेडिकल वेस्ट है। मोस्टली बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, ड्यूरिंग डायग्नोसिस। अपन कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वहाँ से कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से किसी भी डिजीज का अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ से, और अपन कोई रिसर्च कर रहे हैं वहाँ से, अगर जो भी वेस्ट निकलता रहा वही क्या है अपना बायोमेडिकल वेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है बायोमेडिकल वेस्ट ऑब्लिक हॉस्पिटल वेस्ट, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट भी वही है और आपका हॉस्पिटल वेस्ट भी वही है। एनी काइंड ऑफ वेस्ट कलेक्टिंग इन्फेक्शियस और पोटेंशियल इन्फेक्शियस मटेरियल, यानी कि वो इन्फेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो, बट जो हॉस्पिटल से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वहाँ से उसके साथ कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर आ रहा है, वही क्या है अपना बायोमेडिकल वेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है इट मे ऑल्सो इंक्लूड वेस्ट एसोसिएटेड विद द जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, दे आर यूजुअली अपेयर टू बी ए मेडिकल और लेबोरेटरी ऑर्गन, यानी कि अपना मेडिकल और लेबोरेटरी से जो भी वेस्ट निकल रहा है वही क्या है अपना बायोमेडिकल वेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो क्या है सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, वो दोनों फॉर्म के अंदर क्या अपना बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और जो अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह जो हैं वो किस में है अपने सॉलिड वेस्ट में आते हैं। अदर इन्फेक्टेड मटेरियल जो है जैसे कॉटन स्वाब हो गया, प्लास्टर हो गया, सीरिंज हो गई, वो किस में आ रहे हैं अपने सॉलिड वेस्ट के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है नीड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, अपने को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों है, क्यों है अपने को बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने की, क्योंकि अगर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का अगर प्रॉपर वे में मैनेज नहीं होगा तो क्या होगा, मैन को इफेक्ट करेगा, किसी भी सिंगल पर्सन को करेगा, सिंगल पर्सन से वो दूसरे पर्सन में जाएगा, दूसरे पर्सन से तीसरे में जाएगा, यही चैन चलती रहेगी, चैन चलती रहेगी तो क्या होगा पूरी कम्युनिटी इफेक्ट हो जाएगी, कम्युनिटी होने के बाद क्या अपना पूरा जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन ने मैनेज नहीं किया प्रॉपर तो क्या होगा जो वेस्ट मटेरियल जो निकला वो अपन ने वो उसको फेंक दिया, फेंकने के बाद क्या होगा उसको कोई ना कोई एनिमल इट करेगा, ठीक है, वो करेगा तो वो उसकी डिजीज होगी, वो डिजीज इनडायरेक्ट वे में अपने पास पहुंचेगी, तो इसलिए अपने को क्या है बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट करना जरूरी है। द हॉस्पिटल वेस्ट इज एडिशन टू रिस्क ऑफ पेशेंट एंड पर्सनल हु हैंडल दीज वेस्ट ट्रीट टू पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल वेस्ट किसको अफेक्ट कर रहा है, पेशेंट को कर रहा है, और उस पेशेंट को जो हैंडल कर रहा है उसको कर रहा है, उससे पब्लिक में जाएगा, पब्लिक से किस में जाएगा एनवायरनमेंट में जाएगा अपने। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है मैनेजमेंट इज ऑल्सो नीडेड ड्यू टू द रिस्क ऑफ एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन और ड्यू टू इम्प्रॉपर इंसिनरेशन एंड एस, यानी कि अपन अगर उस मैनेजमेंट को प्रॉपर नहीं करेंगे तो कहाँ कहाँ पे रिस्क आएगी अपने पे, इन्वायरमेंट में अगर कहीं पे भी कोई चीज़ इफेक्ट होगी तो अपना जो एयर पोल्यूशन होगा, अपन प्रॉपर वे में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, जो अपन वाटर है जो पानी अपन पीते हैं उसके अंदर भी क्या रहेगा कोई ना कोई कंटेंट जाएगा, वहाँ से अपने अंदर डिजीज होने की कंडीशन रहेगी, जो मिट्टी है उसमें अगर कुछ आ गया तो अपन क्या है ग्रोथ अपने फसल कहाँ पे होती है वहीं पे होती है, उससे अपन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं वो चीज़ अपनी बॉडी के अंदर आएगी, और अगर अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ आएगी तो क्या होगा अपने कोई ना कोई डिजीज होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्पोजल ऑफ द डिस्कार्ड ड्रग दैट कैन बी रीपैक्ड एंड सॉलिड ऑफ, यानी कि वो मेडिसिन जो क्या हुआ अपन ने डिस्कार्ड कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि मेडिसिन क्या करती हैं अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर डेट एक्सपायरी हो गई उसकी तो उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा,
अगर डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो वो अपने टॉक्सिस इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, किसी भी एनिमल ने इनिबिट कर ली उसको या किसी पर्सन ने उसको इनटेक कर लिया, तो उससे क्या होगा, उसके हार्मफुल इफेक्ट जो है वो उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिससे क्या है डिजीज होने की कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 के अंदर क्या है एक रूल निकाला था, उसके अंदर क्या था बायोमेडिकल वेस्ट को अपने को क्या करना है, मैनेजमेंट को अपने को लागू करने के लिए उन्होंने कहा था। उसमें यह था कि जो भी आपके हॉस्पिटल से जो भी कचरा निकलता है उसको आप प्रॉपर वे में डिस्कार्ड करोगे, और ये लागू कब हुआ था, 2000 के अंदर ये लागू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू करवाया था। क्यों किया था इसको, इसको इसलिए किया था क्योंकि अगर ये प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपने जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ जो है उस पर क्या है इफेक्ट आएगा। इसमें क्या था कि जहां से जनरेट हो रहा है ऑल द बायोमेडिकल वेस्ट टू बी सेग्रीगेटेड एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां से आपका बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है वहीं से क्या है आपको इकट्ठा करना है। इसके बाद क्या है, दीज रूल अप्लाई टू ए पर्सनल पर्सन हु जनरेट कलेक्ट रिसीव स्टोर ट्रांसपोर्ट ट्रीट डिस्पोज और हैंडल बायोमेडिकल वेस्ट इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग हॉस्पिटल नर्सिंग होम क्लिनिक डिस्पेंसरी वेटनरी इंस्टीट्यूट एनिमल हाउस पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी ब्लड बैंक, यानी कि सभी जगह। ये रूल कहाँ कहाँ पे लागू हुआ है, जहाँ से क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट जो है क्या है जनरेट होता है। जनरेट कहाँ पे होता है, बेसिकली कहाँ पे जनरेट होगा, हॉस्पिटल में होगा, नर्सिंग रूम नर्सिंग होम में होगा, क्लिनिकल में हो क्लिनिक में होगा, डिस्पेंसरी में होगा, इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें होगा, मेडिकल भी हो सकते हैं वो वेटनरी के भी हो सकते हैं, एनिमल हाउस हो गए, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी होगी, ब्लड बैंक हो गए, इन सभी के अंदर क्या है कंटामिनेटेड मटेरियल हमेशा अपने को मिलता है। कैसे मिलता है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आएगा तो कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है तो वो क्या करता है कोई ना कोई डिजीज साथ लेके आता है। अगर वो साथ लेके नहीं आता है तो भी वो वहां से जाते टाइम कुछ ना कुछ साथ लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आते हैं, पेशेंट के कोई ना कोई डिजीज है तो उसके वहां पे जो आपने मटेरियल काम में लिया, जैसे आपने किसी भी पेशेंट की ड्रेसिंग की तो आप उस पेशेंट के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ गए। अगर आपने उसको यूं ही फेंक दिया और वो किसी दूसरे पेशेंट को टच हो गया, ठीक है, तो दूसरे के टच हो गए, अपने को उस टाइम तक ये नहीं पता कि इस पेशेंट की डिजीज क्या है, और वो दूसरे के हो गया, अगर उसकी कोई डिजीज है तो वो किसके पास जाएगी, दूसरे पेशेंट के पास जाएगी। अपन रिसर्च करते हैं, कहीं पे भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में भी होता है जो चीज अपन रिसर्च कर रहे हैं वहां तक अपने को ये नहीं पता होता कि इसमें कौन सी डिजीज है कौन सी डिजीज नहीं है। इसलिए जहां पे भी रिसर्च सेंटर है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्लिनिकल जो क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, वहां से सबके सबके लिए क्या किया इन्होंने कि आपको ये सारा का सारा रूल जो है फॉलो करने होंगे। इसके बाद अपना आता है हेल्थ केयर वेस्ट। टोटल जो अपना 100% जो हेल्थ केयर वेस्ट होता है उसमें से 75-90% क्या है नॉन रिस्क वेस्ट होता है, और 10-25% जो है वो 10-25% जो है वो कौन सा होता है अपना रिस्क वेस्ट होता है। इसके अंदर क्या है 85% जो WHO ने क्या एस्टिमेट बनाया है 85% जो है वो क्या है हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो क्या है नॉन हैजार्ड्स, 10% क्या है इन्फेक्शियस है और 5% क्या है नॉन इन्फेक्शियस है, ये WHO का एस्टिमेट है। इसके बाद अपना पॉइंट आता है कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसकी 10 कैटेगरी में अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट को डिफाइन किया है।
सबसे पहले अपनी आती है कैटेगरी फर्स्ट। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी ह्यूमन बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो कौन से कैटेगरी में आपका आएगा, आपके कैटेगरी फर्स्ट के अंदर। उसका सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, जो भी है उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट्स है वो कौन से कैटेगरी में आएगा, आपके कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कैटेगरी सेकेंड। सेकेंड कैटेगरी में कौन सा पॉइंट आएगा अपना, एनिमल वेस्ट। फर्स्ट में क्या आएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सेकेंड में क्या आएगा, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि एनिमल की बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, अपने कैटेगरी सेकेंड के अंदर आएगा। थर्ड पॉइंट अपना आता है कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी थर्ड के अंदर क्या चीजें आएंगी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट जो है वो किस में आएगा, कैटेगरी थर्ड में, यानी कि जो अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब है उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो कहाँ कहाँ कौन सी कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी थर्ड में आएगा। जो अपनी बायोकेमिस्ट्री लैब है उसमें से जो भी वेस्ट निकलेगा वो किस में आएगा, कैटेगरी थर्ड में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कैटेगरी फोर। कैटेगरी फोर्थ के अंदर क्या आएगा, जो भी शार्प वेस्ट जो है वो किस में आएगा, अपने कैटेगरी फोर्थ में आएगा। कैटेगरी फिफ्थ जो है उसमें क्या आएगा, मेडिसिन, ठीक है, डिस्कार्ड मेडिसिन कौन सी, जो अपने को मेडिसिन काम में नहीं ले रहे, एक तो वो मेडिसिन होती है जो लॉन्ग टाइम से अपन काम में नहीं लेते हैं वो, और एक मेडिसिन वो जो एक्सपायरी हो गई वो किस में आएंगे, अपने कैटेगरी फिफ्थ के अंदर। कैटेगरी सिक्स और सेवन्थ दोनों के अंदर क्या आएगा अपना, सॉलिड वेस्ट आएगा। कैटेगरी एट जो है उसके अंदर क्या आएगा अपना, लिक्विड वेस्ट आएगा। कैटेगरी नाइन्थ के अंदर क्या आएगी, इंसिनरेशन एस, यानी कि जो जलाने के बाद जो एस बच गई वो किस में आएगी, कैटेगरी नाइन्थ के अंदर आएगी। देन आफ्टर आएगी अपनी कैटेगरी टेन। कैटेगरी टेन के अंदर कौन सी क्या आएगा अपना, केमिकल वेस्ट। तो ये क्या है अपनी टेन कैटेगरी है। WHO के अकॉर्डिंग 10 भागों में आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डिफाइन किया गया है। इसमें कैटेगरी फर्स्ट के अंदर अपना आएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सेकेंड के अंदर आपका आएगा एनिमल वेस्ट, थर्ड के अंदर आपका आएगा माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, कैटेगरी फोर्थ के अंदर आपका आएगा वेस्ट एंड शार्प, कैटेगरी फिफ्थ के अंदर आएगा आपकी मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, सिक्स के अंदर आएगा आपका सॉलिड वेस्ट, सेवन्थ के अंदर आपका दोबारा से सॉलिड वेस्ट आएगा, एट के अंदर आपकी लिक्विड वेस्ट आएगा, नाइन्थ के अंदर आपका आएगा इंसिनरेशन एस, और कैटेगरी टेन के अंदर आपका क्या आएगा, केमिकल वेस्ट। ये आपकी है बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज। नेक्स्ट अपना है वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, यानी कि जो आपका वेस्ट है उसको मैनेज अपन कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले अपना पॉइंट है सॉर्टिंग, हैंडलिंग, इंटरनल स्टोरेज, सब डिस्पोजल एंड फाइनल डिस्पोजल। ये अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।